नमस्कार, प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम करते हैं प्रश्नावली चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो, हमें दिया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 मतलब 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, हमें दिया है कि कोई कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, 8वीं कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे और उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ रुपए दान में दिए। कितने रुपए दान में दिए? मान लो कोई कुछ भी है, कुछ रुपए दान में दिए और जितनी कक्षा में विद्यार्थी हैं, माना कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं कि एक्स विद्यार्थी, मान लिए एक्स विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमने एक्स मान लिए। और एक विद्यार्थी, यदि 5 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 5-5 रुपये दान में दिए। यदि किसी कक्षा में 8वीं कक्षा में मान लो 10 विद्यार्थी हैं, तो 10-10 रुपए दिए प्रत्येक ने। यदि 15 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक 15-15 रुपए दान में देता है। यदि 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 रुपए दान में देता है। यदि मान लो 27 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी 27 रुपए दान में देता है। इस प्रकार ये अपने को समझ सकते हैं इसको। तो एक्स विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक रुपए भी कितने देगा? एक्स रुपए देगा। तो यदि एक्स विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने एक्स रुपए दान में दिए, तो कुल जो राशि इकट्ठी हुई उनकी, तो 2401 रुपए इकट्ठे कर लिए, मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने दान में दे दिए। तो हमने निकालनी है विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें पता है कि जितने विद्यार्थी उतने ही रुपए होंगे। हम रुपए रुपए भी निकाल सकते हैं कि कितने रुपए दान में दिए और कितने विद्यार्थी हैं, ये तो हमें निकालना है। तो हम करते हैं आगे कि माना कि किसी कक्षा 8 में एक्स विद्यार्थी, माना कक्षा 8 में विद्यार्थी, हमने मान लिया कि एक्स विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हो गए? एक्स विद्यार्थी हो गए। और प्रत्येक ने दान में कितने रुपए दिए? प्रत्येक ने दान में रुपए दिए, तो कितने रुपए देगा? एक्स एक्स रुपए ही देगा। तो दान द्वारा की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी? तो दान की गई कुल राशि कितनी होगी? तो कुल राशि हम निकालें, तो मान लो कि 5 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक ने 5-5 रुपए दान में दिए, तो हम क्या करेंगे? 5 को 5 से गुणा कर देंगे, तो कितने रुपए इकट्ठे होंगे? 25 रुपए इकट्ठे होंगे। तो यदि एक्स विद्यार्थी हैं और एक्स एक्स रुपए ही सभी ने दिए, तो एक्स गुणा एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वेयर रुपए हो जाएंगे। और वास्तविक संख्या कितनी है अपने पास? वास्तविक रुपए कितने हैं? वास्तविक दान की गई राशि कितनी है? वास्तविक, जो वास्तव में राशि कितनी इकट्ठी हो गई थी हमारे पास? 2401 रुपए इकट्ठे हो गए थे, 1 रुपए। तो हमें पता है कि देखो, इस प्रकार यदि हम माने तो एक्स स्क्वेयर रुपए इकट्ठे हुए। यदि वास्तव में है हमारे पास 2401, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो एक्स बराबर 2401 रुपए। पर यदि हमने एक्स का मान निकालना है, स्क्वेयर हटाते हैं तो इस तरफ रूट आता है, वर्गमूल का निशान लगाते हैं, तो 2401 के ऊपर कौन सा निशान लग जाएगा? वर्गमूल का। स्क्वेयर हटाएंगे तो स्क्वेयर रूट। तो अब 2401 का वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल
तरीका अपने को पता है, हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसमें भाग जाएगा सात का, सगत सात का भाग देंगे तो आ जाएगा 343, फिर सात का भाग जाएगा तो आ जाएगा 7 × 28, 63, फिर सात का भाग जाएगा, फिर सात का भाग जाएगा 1। इस प्रकार हमने ये कर लिया। तो यदि हम इसको लिखें, x को लिखें, तो 24 मतलब 2401 के जो गुणनखंड बने, 7 × 7 × 7 × 7 बनेंगे। तो वर्गमूल में से निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बना लिए, उसमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो 7 × 7, तो x का मान कितना आ जाएगा, 49। तो हमें पता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 49, और रुपए भी कितने दिए प्रत्येक ने, 49। अतः है विद्यार्थी कितने होंगे, 49 विद्यार्थी आठवीं कक्षा में हो जाएगी, ये अपना आंसर रहेगा।